और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बॉर्डर तक विकास को छोड़ा था। कांग्रेस हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करती है, बीजेपी का नहीं, सपा का था विकास। ऐसा कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। कांग्रेस को हर चीज में मातम मनाना है, विकास को खुलासा करना होता तो कल ही कर देता। तो गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बॉर्डर तक विकास को छोड़ा था, कांग्रेस हमेशा सेना तक को कटघरे में खड़ा करती आई है, बीजेपी का नहीं, समाजवादी पार्टी का था विकास। ये कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। कांग्रेस को हर चीज में मातम मनाना होता है, विकास को खुलासा करना होता तो कल ही कर देता। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं सरकारों पर, उसके बाद गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है हमेशा से ही सेना को कटघरे में खड़ा करती रही है, समाजवादी पार्टी का था विकास। और क्या कुछ कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आपने गैस बनती रहेगी। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया। अपराधी है, अपराध की बात हुई, पर अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया, नई बात कोई नहीं बताई। वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया, खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था कल, वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे बातचीत करी, उसमें उसने क्या कुछ खुलासा किया, कुछ बताया उसने किस तरीके से रुका था, किस तरीके से आया गया, किन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया था, क्योंकि ये हुआ कि 2 दिन से उज्जैन में था वो, तो जब अलर्ट जारी किया हुआ था गृह मंत्रालय की तरफ से। 2 दिन से उज्जैन में नहीं था।